Good afternoon, everyone. So I welcome you all to the first ever inceptional session of Confident Creations with the tagline, Poise is a Choice. So as I can see that right now we are 30 participants in the screen. So I'll be waiting for two more minutes so that everyone who wants to join can start from the beginning. And uske baad we'll start this journey of ours. And I really want to thank all of you जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया है एंड आई होप आज आपको कुछ नया देखने को और सीखने को मिल पाए एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट ऑल ऑफर्स वी आर गोइंग टू गिव यू सो दैट यू कैन लर्न एंड किल योर फियर एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी सो इन फ्रंट ऑफ यू इज आवर ब्यूटिफुल लोगो एंड द टैगलाइन व्हिच आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन फॉर दीज टू मिनट्स एज अ फिलर इज पॉइज इज अ चॉइस I would like to ask you क्या आप में से किसी को भी इस वर्ड का मतलब पता है poise? If anyone there who knows the meaning of this word poise can just type it on the chat box. Yeah, so one guy said calmness. Thank you Ashwini, thanks a lot. So actually poise यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना because ये जो tagline बनी है ये काफी सोच समझ के बनाई गई है. So the meaning of this word poise lies behind a grace, a confident इंसान जो कि काम भी है अपने आप में, right? उसको poise बोलते हैं. Being self-confident and having calmness is called poise. So एक बहुत ही सुंदर line आप सबके सामने लिखी है कि confidence comes from not fearing to try and being wrong, even if you are in doubt. आई थिंक बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस का मतलब लगता था कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और इंसान हमेशा सही काम करे कभी भी गलत ना हो उससे राइट बहुत लोग कॉन्फिडेंस को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं बट जो सबसे प्योर डेफिनेशन है वो शायद यही है कि आपको नहीं आती वो चीज आप शायद उसमें बेस्ट ना हो आप शायद वो चीज सीख रहे हो और आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे पता नहीं मैं शायद फेल हो जाऊँ बट देन टू हैविंग द गट्स टू ट्राई जो आप यहाँ पे हमारे साथ करने जा रहे हैं ठीक है आप वो गट्स लेके आएंगे एंड आप लाइफ में पहली बार वो इंटरव्यू देंगे जो आपने नहीं दिए हैं कभी भी आई एम टॉकिंग टू द सेकंड ईयर पीपल जिनको पता भी नहीं है कि रेज्यूमे और सीवी का मतलब क्या होता है तुम लोग बहुत ही सही टाइम पे ये चीज कर रहे हो एंड आई टेल यू व्हाई जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंड फॉर एवरीवन हु हैज जॉइंड दिस सेशन ऑल द 30 पीपल हु आर हियर ओके सो About me, you'll come to know through the session. And the reason I am doing this work is also hiding in this whole presentation. So now I think let's get started on this journey. So the agenda is the need. Agar koi need nahi hai, toh koi kaam life mein itni easily ho nahi paata hai. So the need is very common, very basic, but duniya mein is samay wo gayab hai. Uski poorti nahi ho pa rahi hai. And that is soft. Skills. अब आपको मैं बताना चाहूंगा there are two students right now who are in class 11th और आपके साथ उन्होंने join कर रखा है right? So those two students Devansh and Abhushit, thank you so much कि आपने इतना बढ़िया एक example set कराया हम सभी के सामने देखो soft skills का मतलब होता है आपके knowledge के अलावा जितने भी skills आपके अंदर आप सोच सकते हो going on a very general form you are able to talk you are a good team player ओके एंड यू आर अडैप्टेबल एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल ठीक है आसपास की सराउंडिंग के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है एंड माइंड यू इंडिया में टीयर टू और टीयर थ्री के कॉलेजेस जितने हैं उसमें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं होती है और हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज में जॉब है मोर देन 50% रिक्वायर सॉफ्ट स्किल्स यहाँ तक कि जो एस्पिरेशन माइंड्स की एक रिपोर्ट है एस्पायरिंग माइंड्स ने बोला है कि इंडिया में 80% Okay, 80% engineers are unfit for job. So, हमारा agenda basically बहुत छोटा सा है और एकदम pinpoint है. डर. डर को मिटाना है और उसके लिए हमें वही चीज को करना पड़ेगा. If you are going to learn swimming, you're not going to do that from outside the pool. If you are going to learn to drive a car, you're not going to do that from sitting outside the car. You have to go inside. And that is the same thing. यहाँ पे शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लाइफ में कभी इंटरव्यू देने का मन ही नहीं है या उनके रास्ते जो हैं वो किसी दूसरे एग्जाम से होकर गुजर रहे हैं जो इंटरव्यू नहीं देंगे बट आपकी पर्सनल लाइफ आपकी सोशल लाइफ
आप अपनी बातों को किस तरह से रख पा रहे हैं उसमें शायद जरूरत पड़ जाए आपको। और कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेजेंट विच यू कैन गिफ्ट योरसेल्फ विद अस। सो विद दिस एजेंडा वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो अबाउट मी, आज से 3 साल पहले लाइफ का सबसे पहला जीडी मैंने दिया था। एंड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट वाज द टॉपिक? द टॉपिक वाज लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। एंड वेरी ऑब्वियसली मुझे लव मैरिज पे बोलना था। एंड मेरे 10 दोस्त मेरे सामने बैठे थे। वो पहला था लाइफ का जीडी। एंड यू नो मैं कितने वर्ड्स बोल पाया? जितने इंडिया ने जिस नंबर की खोज करी थी। एंड दैट वाज 0। आई वाज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन दैट ग्रुप डिस्कशन। एंड यू कैन सी मी राइट नाउ एज अ पब्लिक स्पीकर एंड अ ट्रेनर। ओके, सो दिस जर्नी जो मैंने ये करी, आई वॉज अ पर्सन जिसको शायद इंग्लिश की समझ तो थी मगर बोलना क्या है और कब बोलना है और कैसे बोलना है, इन सब में मैं बहुत ज्यादा डरता और बहुत ज्यादा घबराता था। बट आई नेवर न्यू कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल मेक दिस एज माई प्रोफेशन। जो पेन और जो हेजिटेशन मैंने सही है वो दूसरों को कभी ना हो पाए, राइट? सो आई एम डूइंग दिस एट द बेस्ट पॉसिबल वे विच आई कैन। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम। एंड उसकी नीड क्यों है ये आप यहाँ से जान सकते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा जो आपकी इंडस्ट्री है वो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। लाखों 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 इंजीनियर्स हर दिन निकलते हैं, ऐसा आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा। बट उसमें से 80% इंजीनियर्स, 80% ग्रेजुएट्स वर अनफिट टू बी एम्प्लॉयड। ये एक सर्वे है एस्पायरिंग माइंड्स का। आई वॉन्ट यू ऑल टू गेस द रीजन। चलिए, क्या लगता है आपको क्या रीजन रहा होगा? क्या वो 80% सारे के सारे नॉलेज नहीं होगी उनके पास? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं थे? क्या वो टैलेंटेड इंजीनियर्स नहीं थे? वॉट इज द रीजन? आप खुद बताइए, आप में से कई लोग इंजीनियर्स हैं, क्या आपके पास फोर्थ ईयर तक आते आते नॉलेज कम रहेगी किसी भी एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए? कम ऑन, आई वॉन्ट 3 reasons। आपको क्या लगता है वॉट आर द 3 reasons? सो आई गॉट 1 answer, lack of communication skills and not able to express their knowledge. Anything else from any one of you? I want Abhushit also to think. Abhushit and Devansh, you all can also think. Okay, Sashank Singh says lack of skills. Okay, so yahan pe ek bahut acha word aaya hai, skills. To main yahan pe batana chahunga, skills are of 2 types, hard skills and soft skills. Jitni aap cheeze apni engineering knowledge mein seekh rahe ho, अपने सब्जेक्ट में सीख रहे हो, वो आपकी हार्ड स्किल्स हैं, आपके डिजाइनिंग स्किल्स हैं, ठीक है? आप जो भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या आप कोई भी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी हार्ड स्किल्स हैं। और उसके बाहर जो आपकी पर्सनालिटी लेके आ रही है, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपने सामिया ने बोला, दीज ऑल कम अंडर सॉफ्ट स्किल्स। सो लेट्स सी कि व्हाट वर द अंडरलाइंग रीजंस ऑफ दीज थिंग्स। द कॉन्फिडेंस ट्रैप, आई वुड कॉल दिस द कॉन्फिडेंस ट्रैप। धीरज सिंह सेड सपोर्ट सिस्टम। द थिंग इज सेल्फ जजमेंट। शायद आप लोगों में से किसी ने ये नहीं बोला। आई माइंड यू 32 लोग यहाँ बैठे हैं एंड 32 में से कोई एक ऐसा शायद बोल दे आई एम गुड, आई कैन डू दिस। मोस्टली लोगों की सुई यहीं पे आके अटक जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ओके, दे स्टार्ट जजिंग देमसेल्फ। अगर आई एम नॉट गुड इनफ नहीं बोलेंगे तो उनके दिमाग में ये थॉट रहेगा कि अदर्स आर बेटर। ये साइकोलॉजिकल एक ट्रैप है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरों को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। और लैक ऑफ अवेयरनेस उनकी इंडस्ट्री में, इंटरव्यूज में होता क्या है, सीवी में पूछा क्या जा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बस पीपल जस्ट ज्वाइन फॉर द इंटरव्यू सिर्फ पढ़ाई करके। दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। एटलीस्ट दे शुड नो कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनमें चाहिए क्या एम्प्लॉयर्स को। अगर आप किसी एक इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ओके, दे आर लैकिंग दैट अवेयरनेस। एंड आई हैव सीन पीपल टेलिंग मी दैट माय लुक्स आर नॉट गुड। एंड इवन इफ दे आर नॉट एबल टू टेल मी, ये उनकी बातों में, और ये बहुत ही कॉमन थॉट है जो लोगों में झलकता है, कि जज देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। एंड दैट इज रियली अ सैड थॉट टू थिंक अबाउट। एंड एक बहुत ही छुपा हुआ और हाइडिंग प्रॉब्लम है परफेक्शनिज्म। लोग चाहते हैं कि वो जो भी काम करें, चाहे वो पहली बार हो चाहे 10वीं बार हो, वो एकदम परफेक्ट हो। एंड इस रीजन से दे आर नॉट एबल टू फॉलो थ्रू एंड मूव। द थिंग इज, आज की प्रेजेंटेशंस में भी आप मेरे अंदर कई मिस्टेक्स देखोगे, राइट? आई विल ऑल्सो डू सम मिस्टेक्स एंड दैट इज ह्यूमन नेचर। तो
अगर आप परफेक्शन की तरफ चले गए तो ना ही कॉन्फिडेंस क्रिएशन होगा, ना ही आप मुझे सुन पाओगे और ना ही हम ये सेशन और ये वर्कशॉप आगे बढ़ा पाएंगे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन सब रीजंस की वजह से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और एक चीज जो मैंने इंक्लूड नहीं करी वो है फैमिली, सोसाइटी एंड पेरेंटिंग, राइट? ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मगर अब आप सब लोग 18 के ऊपर होने वाले हो चुके हो एंड होने वाले हो। सो अब यू कैनॉट ब्लेम अदर पीपल फॉर द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विच यू आर हैविंग। यहाँ पे एलयू के बहुत बच्चे जुड़े हैं, बैंगलोर से कुछ लोग हैं, पुणे से कुछ लोग हैं, राइट? एंड कुछ बच्चे स्कूल के हैं। सी, आप जब तक दूसरे को ब्लेम करोगे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो लेट्स सी हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड एंड क्यों, मेन बात है क्यों करें। आप 32 लोग मुझे से सब पूछ सकते हो कि सर हम क्यों करें, क्या जरूरत है हमें ये करने की, हम तो बोलना आता ही है हमें, वी कैन टॉक। आप आइए हमसे फोन पे बात कर लीजिए, घर पे मिल लीजिए, मैं फ्रेंड से भी अपने बात कर लेता हूँ, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक्सप्रेस भी कर लेता हूँ। ओके, एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर, एक ऐसा सिंगर जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मगर जैसे ही वो ऑडियंस के सामने जाते हैं, जैसे ही ओपोनेंट टीम के सामने जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। क्यों? नर्वस हो गए, डर लगने लगा, अपने ही बारे में, अपनी ही इंट्रोडक्शन को देने में पीपल आर हेजिटेंट, दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ राइट नाउ, कोई अपना वीडियो ऑन करके अगर मेरे साथ 15 मिनट के इंटरव्यू में जाना चाहता है, आई विल टेक द इंटरव्यू एंड एवरीवन विल वॉच यू, आई एम मेकिंग इट श्योर आप में से 5% लोग हैं जो सिर्फ रेडी होंगे ये करने के लिए, और मे बी उससे भी कम। डेथ से भी ज्यादा बड़ा फेयर पब्लिक स्पीकिंग को माना गया है, डेथ से भी ज्यादा बड़ा। इतना कठिन है बोलना लोगों के सामने, ऐसा सोचा नहीं था, बट ये एक बिटर ट्रुथ है। सो रीजंस आपके सामने हैं। जो लोग एसएसबी और आर्म फोर्सेस के लिए जाना चाह रहे हैं, एसएसबी का बेसिक, आप बहुत लोग देश के पैट्रियोटिक लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएसबी का बेसिक मोटो है मनसा वचा कर्मणा, माइंड वर्ड्स एंड एक्शंस। सो इसमें जो वर्ड्स हैं वो पार्ट आपका परफेक्ट हो या आप अपना बेस्ट दे पाओ, आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर दिखा पाओ मुंह के थ्रू बात करके, एसएसबी का एक क्राइटेरिया ये होता है। बहुत लोग यहाँ पे पीएसयूज की जॉब, गवर्नमेंट जॉब बड़ी कंपनीज में करना चाहते हैं। ऑल पीएसयूज हैव वेरी गुड एंड लॉन्ग इंटरव्यूज, 10 मिनट के इंटरव्यूज नहीं होते हैं यहाँ पे, मेनली सिविल सर्विसेज। अभी बहुत अच्छा टीवी सीरीज आया एस्पिरेंट्स, जिसमें उन लोगों ने इंटरव्यू की बात करी कि दैट गाय वाज नॉट इवन हैविंग अ हॉबी और उसने एक नई हॉबी चेस बना दी, तो वो जानता भी नहीं था बट ही प्रिपेयर्ड। बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक नॉर्मल दुकानदार, क्या आप एक दिन दुकानदार बन के देखोगे? जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको नॉर्मल से बिस्किट बेच के देखो, यू अंडरस्टैंड। उस दुकानदार की जगह पे खड़े होकर तो अंडरस्टैंड करोगे हाउ पीपल आर इंटरैक्टिंग, एंड ये बहुत ही पावरफुल चीज है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। एंड आईटी कंपनीज तो अभी भी बूम पे है, राइट? एंड मेरा सबसे फेवरेट, मेरा सच में सबसे फेवरेट, सोशल रिलेशनशिप्स। व्हेन यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट, तो जो लाइफ की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, और सही तरीके से सही बात को रखने का जो मैजिक होता है वो समझ में आएगा, सही तरीके से सही बात को रखने का। इसलिए मेरे YouTube चैनल का नाम है साहिल एक्सप्लेन्स। आई लव टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड ये मुझे गिफ्ट है एंड ये मेरा टैलेंट है एंड ये मैंने डेवलप किया है, राइट? आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट अ रीजन फ्रॉम दिस स्लाइड, इफ नॉट एनीथिंग फॉर योर पर्सनल इंप्रूवमेंट, गो फॉर दिस थिंग, राइट? बिकॉज कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल स्किल एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट इज an extra icing on the cake. Okay. So my favorite slide is here in front of you. I know aap sab log ek normal se graph ko samajhne ke kabil hain. Right? Ek normal sa graph hai jisme aap dekh sakte hain y-axis pe knowledge hai. Right? So the positive y-axis is showing you ki yahan pe upar ek knowledge ka aapko term dikhega. Theek hai? And niche hai lack of knowledge. Okay? और लेफ्ट में आपका है कॉन्फिडेंस का लैक और राइट में है कॉन्फिडेंस। ओके, सो द थिंग इज यहां पर पॉइज का मतलब है बच्चे में, कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस भी है और नॉलेज भी है, तो ऐसी स्टेट को मैं बोलता हूं पॉइज।
किसी भी इंटरव्यू में या सिलेक्शन प्रोसेस में, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू हैव नॉलेज बोथ. सेकेंड वी गो टू दिस कॉलम, जहां पे आप देखेंगे नॉलेज भी है बट कॉन्फिडेंस की कमी है, राइट. सो यहां पर बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे इंसान फियरफुल और नर्वस होगा. सबसे सैड कंडीशन ये है, आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन, बट द कॉलेज फ्रॉम विच आई ग्रेजुएटेड, उस कॉलेज का जो ब्रांच टॉपर था, he did not get any placement till the end, which was very shocking, because uske paas hum logo se sabse zyada knowledge thi, but kahin na kahin wo hindi medium ka tha and he was not able to speak his things. ha english ki jagah hindi mein bolne ko to he was speaking, but all the good companies, they were focusing on soft skills. they wanted a person who is ready to adapt and communicate and have good interpersonal skills. And there he got fearful and nervous. तो आप लोग से भी अगर बात करूं तो दिल से सर, see these voices and pumping heartbeat, right? अगर आपकी heartbeat बाहर निकल के आ रही है, which I had in the first experience. So ये सारी चीजें जब public के सामने या तीन interview panel में बैठे लोगों के सामने होती है तो आप mistakes करोगे. Even मेरे पहले interview में I was not even to tell my own subjects जो मैंने पढ़े, मैं अपने सब्जेक्ट्स भी सारे नहीं बता पाया था. योर बॉडी स्टार्ट्स टू बिहेव वेरी डिफरेंटली, उस समय आप अपने कॉन्शियसनेस से बाहर निकल आते हो, ऐसा लगता है यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली कि आपको बोलना क्या है, राइट. तो इन चीजों पे हमें काम करना है. एंड थर्ड स्टेज है एक्सप्लोरर की. एक्सप्लोरर के पास ना ही नॉलेज है ना ही कॉन्फिडेंस है, वो बस देखने आया है कि यहाँ हो क्या रहा है, एंड आई थिंक ही इज नॉट wanting any kind of selection. So I would not speak much on this person, जो कि confidence भी नहीं है उसके अंदर और knowledge भी नहीं है. But here comes my favorite part. Lack of knowledge, but having good confidence. I call this guy the choker. आप कोई भी किसी भी interview में बैठे हैं with lack of knowledge, but having confidence. I am telling you, poised वाले के बराबर chances हैं कि you can get selected. And जितने भी लोग अभी B.Tech fourth year में हैं या third year में हैं, आप देखिएगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप लोग को लग रहा होगा कि यार इसका प्लेसमेंट नहीं होगा, एंड दैट पर्सन विल गेट सेलेक्टेड. व्हाई इज दैट? बिकॉज उसके अंदर कॉन्फिडेंस है. एंड ये कड़वा सच है जो कि हमारी रिपोर्ट्स में भी निकल के आया है, और ये सच कड़वा नहीं है, बहुत मीठा है. रीजन उसका ये है कि जितनी कंपनीज है वो अपना काम तो आप सिखा देंगी, मगर उनको ऐसे लोग चाहिए जो फ्रेंडली हो, जो बढ़ सके आगे, जो बात कर सके. एक शांत और इंट्रोवर्ट इंसान को सिखा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट. लोग जो मिक्सअप ना हो पाए, जिन्हें टाइम लगे मिक्सअप होने का. सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर. इफ यू कैन नॉट बी एट द स्टेट ऑफ बॉयज, बी द जोकर. बी द जोकर, आई विल मेक यू द जोकर, बिकॉज आई ऑल्सो हैव प्लेड दिस रोल ऑफ जोकर. आपको पता है जो ताश के पत्तों में जोकर होता है उसका क्यों रोल प्ले इतना इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज द जोकर कैन प्ले एनी काइंड ऑफ रोल, राइट. सो आप बॉयज का रोल प्ले कर सकते हो एज अ जोकर, राइट. तो यहाँ पर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरी खुद की फाइंडिंग, मेरे खुद के दिमाग की खुराफात से ये ग्राफ निकला है, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस ग्राफ ऑफिशियल. ये ग्राफ आपको बहुत कुछ समझा सकता है, ठीक है. तो विच क्वाड्रेंट आर यू गोइंग टू चूज, द जोकर, द बॉयज, द फियरफुल एंड नर्वस? इट इज इन योर हैंड्स, ओके. सो नाउ लेट्स गेट टू द बिजनेस. एंड मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, आपकी लाइफ में आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे बेसिक चीज, आपको अपने बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए. इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, राइट. एंड उसमें व्हाट इज आवर होल जर्नी ऑल अबाउट, ओके. एंड देन यू गाइस गेट टू चूज, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फुल थ्रॉटल सेशंस, ठीक है, जिसमें हम स्पेसिफिकली हर चीज को पहले ट्रेन करेंगे, फिर आपको वो चीज करवाएंगे. आई अगेन रिपीट माय वर्ड्स, यहाँ पर हम कोई वीडियो लेक्चर नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम कोई कोर्स नहीं खोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज अ फेस टू फेस ट्रेनिंग सेशन एंड डूइंग सेशन. आपको यहाँ पे इंटरव्यू में बैठने को मिलेगा, एंड आई जस्ट अवे टॉक टू क्लास 11th के दोनों बच्चों से. अगर आप में से कोई भी फ्री है, यहाँ पे आपके पास टाइम है, you guys can also give interviews,
कोई एज लिमिट नहीं है आज के टाइम में। आप न्यूज में पढ़ते हो ना कि 12 साल क्या 12th पास करे हुए बच्चे ने डिग्री ले ली, राइट? सो देयर इज नो एज लिमिट। लियोनेल मेसी ने 16 साल में बार्सिलोना का डेब्यू करा था, सचिन तेंदुलकर ने 16 साल में टीम इंडिया का डेब्यू करा था, राइट? एंड किलियन एम्बापे द फुटबॉल प्लेयर 19 साल में ही गॉट द वर्ल्ड कप। ओके, सो कोई भी एज लिमिट नहीं है कि आप इंटरव्यूज अभी नहीं दे सकते, ठीक है? दिस विल ऑलवेज मेक यू एन अमेजिंग पर्सन। देयर वाज अ इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, 11 साल के बच्चे ने वो कॉम्पिटिशन अपने कॉन्फिडेंस से और अपने स्पीक से जीता था, राइट? आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। ओके, सो 11 साल का वो बच्चा था। देयर इज नो एज लिमिट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू थ्रू कि देखो, आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो, आपका जो सीवी होता है ना, आप लोगों में बहुत लोग को शायद सीवी नहीं पता है। सीवी या रेज्यूमे एक पेपर पे लिखी हुई आपकी डिटेल्स हैं जो किसी एम्प्लॉई या इंटरव्यू के सामने जाती है। उस सीवी के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, रेज्यूमे के बेसिस पे ही, ठीक है? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आप लोगों को सीवी नहीं बनाना है, आपको एक फॉर्म चाहेगा, आप वो फॉर्म में ये डिटेल्स फिल करेंगे। टेल अबाउट योर एजुकेशन, योर स्कूलिंग, कौन से ईयर में पास करा, एंड देन योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने करे हैं कोर्सेज, देन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेल, राइट? एंड उसके बाद एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। देखो, जो मेन काम शुरू होता है ना एजुकेशन में, बहुत लोग कहेंगे मैं IIT से नहीं हूँ, मैं IIM से नहीं हूँ, तो मेरा कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा, NIT से नहीं हूँ, राइट? बट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि यहाँ पर मेरा भाई ज्वाइन कर चुका है, राइट? एंड ही हैज डन बेसिक ग्रेजुएशन एंड राइट नाउ ही इज अ डिफेंस पर्सनल। ओके, सो उसने किसी भी टीयर 1 के, टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं करी थी, राइट? बट इफ यू स्पीक टू हिम, यू विल कम टू नो कि जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट स्किल्स हैं, जो हॉबीज हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? एंड ऑब्वियसली एक IITian के सामने आप जाओगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सुपर 30 मूवी में क्या दिखाया गया था, जब ऋतिक रोशन बोलता है अपनी आंखें बंद करो, क्या देख रहे हो, वो शॉट आज फिर से जाके देखना। यहाँ पे मुद्दा वही है, ऋतिक रोशन क्या बोलता है उसके बाद, गो एंड फेस योर फियर, जब वो लोग होली वाले फेस्टिवल में डांस करते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू ऑल विद दैट अपॉर्चुनिटी। आपको डांस नहीं, आपको एग्जैक्टली वही करना है, ठीक है? सो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लिख सकते हैं। लाइक इफ मुझे लिखना होगा तो आई वुड राइट फुटबॉल, सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एंड सब्जेक्ट्स में I'll write my mechanical subjects or physics, anything which I love, right? यहाँ पर आप अभी general preparation कर रहे हो, किसी एक job perspective से नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपने areas of interest में कोई भी ऐसी चीज लिख सकते हैं जिसपे आप interview दे सकें। Question उठेगा, क्या सर मुझे ये पूरा subject आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपसे किसी भी interview में basic चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपने बोला physics, तो आपसे what is force पूछ सकते हैं, right? So ये simple सा example था। एंड हमारी जो टीम है, आई शो यू द टीम, एंड हमारे पास हर फील्ड के लोग हैं फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज एंड HR इंटरव्यूज। ओके, अब बात करते हैं हॉबीज की। क्या कर रहे हो आजकल आप लोग लॉकडाउन में? एनी वन ऑफ यू जो कहेगा सर मेरी कोई भी हॉबी नहीं है, आई डोंट नो हॉबी क्या होती है, आप में से कोई ऑनेस्ट है इतना कि बोल पाए सर आई हैव नो हॉबीज? आई गिव 10 seconds टू दैट पर्सन टू राइट। आई वॉन्ट टू सी कोई ऐसा है जिसकी कोई हॉबी नहीं है। Anyone? Okay, so very good. Okay, so we have one guy, Aditya Anand. He's saying he has no hobby. Aditya, so you can write listening songs. ठीक है, बहुत simple सी चीज़ें जो बहुत लोग भरते हैं अपनी CVs में, right? But the thing is, when you write listening songs, I'll show you a small example. ठीक है? Okay, interview ही बोलेगा, you like listening songs. Very nice. So, what is your favorite song? You'll tell the song. किसने गाया है? कौन सी मूवी का है? Apart from that, what do you know about the singer? ठीक है? आपकी हॉबी, रियल लाइफ में लोग आपसे इतने सवाल नहीं करेंगे, बस अच्छा ये गाना पसंद है, ओके। बट वेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, आपके मुंह से निकला हर एक शब्द एक क्वेश्चन बनाएगा, राइट? सो चूज योर हॉबीज अकॉर्डिंगली, ठीक है? Then awards and honors. आपने कभी स्कूल में अगर रेस भी जीती हो,
राइट, या किसी भी कंपटीशन में पार्ट लिया हो, या किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया हो, ठीक है, या सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज कराई हो कोई भी. सो यू कैन राइट दैट इन इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स. स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स आए हो, किसी कॉम्पिटिशन को जीता हो, कहीं कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करा हो, ठीक है, एंड इंटर्नशिप्स. सो गोइंग टेक्निकली, अगर आप कोई भी काम ऐसा अपने करिकुलम के बाहर निकल के कर रहे हैं, राइट, तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं. सी, सो ये फॉर्म पहुंचेगा आप लोगों के पास, एंड यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, एंड ये फॉर्म आपका अस्तित्व है, ठीक है, एंड इसी के बेसिस पे आपके सारे इंटरव्यूज होंगे. एंड एट द एंड, जब सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, मैंने आपसे वादा किया था कि जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनके पास एक प्रोफेशनल सीवी होगा. सो एट द एंड, जब इंटरव्यूज हो जाएंगे, इस फॉर्म के बेसिस पे ही करेक्शंस करके हम लोग साथ में बैठ के वो सीवीज बनाएंगे. आई विल बी देयर टू असिस्ट यू इन ऑल दैट सीवी, ठीक है. वी विल मेक एन अमेजिंग सीवी जिसको आप हर जगह थोड़े चेंजेस के साथ कंपनी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. एंड जितने भी लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये तीन जो होने वाले हैं. आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो यहाँ पे इस पूरे इवेंट में वी आर गोइंग टू अटैक फियर ऑन दिस होल टाइमलाइन. टाइमलाइन ये है कि आपको सबसे पहले वो फॉर्म फिल करना है, राइट, एंड देन वो फॉर्म फिल करने के बाद फी पेमेंट इज नॉट 2500 आई हैव क्रॉस्ड राइट नाउ, इट इज अ बेयर मिनिमम 250 rupees, लेसर देन अ नॉर्मल जियो रिचार्ज. ओके, ये सारी चीजें जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, दीज आर गेट बीइंग ऑफर्ड टू यू इन 250 rupees. ओके, एंड आई एम सॉरी अगर आप में से किसी ने ऐसा सोचा था, आई एम रियली सॉरी, आपने में से किसी ने अगर ऐसा सोचा था कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन दिस फॉर फ्री, right, because I have made a team and we are going to invest time, and this is the best investment which you can do in yourself. Okay, so I'll tell you the process and I'll also tell you why I have kept a fee. Okay, so after filling the form and submitting us with the fee payment, aapke paas ek call aayegi. Jo call aayegi usme aapka telephonic interview hoga. Okay, and dhyan dijiye, maine yahan pe likha hai left top mein, attack fear with us in our training and interviews. So first, एक session होगा जिसमें I'll tell you about the telephonic interviews. Telephonic interview होता क्या है, उसमें बात कैसे करते हैं. आप अपने friend से बात करते हो ना, अगर आपको पता हो कि आज शाम को 4 बजे एक company जिसको आपको job देनी है वो call करने वाली है, तो आपकी body थोड़ा differently behave करने लगेगी, right? And जैसे ही वो call आएगी, आपको call पे बात करनी है. एंड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी लाइफ के बारे में, शायद वो थोड़े से टेक्निकल भी हो, थोड़े नॉर्मल भी हो, थोड़े एचआर भी हो, थोड़े कॉमन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. वो पहला राउंड होता है जो बहुत कंपनीज कराती हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू. एंड आज के टाइम में जब चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो ये सारी चीजें आर टू गुड टू डू, ठीक है. सो उसकी ट्रेनिंग होगी एंड देन यू विल गेट अ कॉल, एंड आप सबको टेलीफोनिक इंटरव्यू देने को मिलेगा. सी, ये सारी ही चीजें आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी करवा सकते हो, बट जब हमारे एक्सपर्ट्स एंड हमारी टीम वो कॉल करेगी, यू विल गेट इनटू दैट फीलिंग ऑफ नर्वसनेस जिसमें आपको लड़ना है, ठीक है. आफ्टर द टेलीफोनिक इंटरव्यू आप सबका, वील गो इनटू द टेक्निकल इंटरव्यू. आपने अपने फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, सीएस, ओके, मैथमेटिक्स, राइट, या एनीथिंग, साइकोलॉजी, वॉट एवर यू हैव रिटन, ओके, देन यू विल बी गोइंग लॉ ऑल्सो, राइट, यू विल बी गोइंग फॉर टेक्निकल इंटरव्यू. उससे पहले वील डू अगेन अ 45 minutes ट्रेनिंग सेशन, जिसमें आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ टेक्निकल जो आप से पूछे जा सकते हैं. एंड 10 ऐसे क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछे गए हैं, दुनिया के हर एक इंटरव्यू में 10 ऐसे क्वेश्चन हैं. और वो क्यों पूछे गए हैं 10 के 10, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स सबके सेम है. लोग अपना नाम बताते हैं, लोग अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, लोग अपनी लोकेशन बताते हैं, राइट, मगर वो आंसर्स और उनको आंसर करने के तरीके में ही सारा राज छुपा है. तो वो 10 के 10 आंसर मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आपको भी खुद उसके अपने ओरिजिनल तरीके से प्रिपेयर करने हैं, राइट. सो हम उस पर काम करेंगे. एंड देन हमारा पैनल इंटरव्यू होगा, जिसमें दो से तीन लोग आपका इंटरव्यू लेंगे फॉर टेक्निकल राउंड, ठीक है, एंड वो देने को आपको मिलेगा. थर्ड इज
काइंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट वन, दैट इज एचआर इंटरव्यू. एचआर इंटरव्यू क्या होता है? एचआर इतने सारे इंटरव्यूज क्यों रखे जाते हैं? हर इंटरव्यू की एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है. सो एचआर आपका कॉन्फिडेंस यहीं से चेक होना शुरू हो जाता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू से, ठीक है. एचआर पे आते आते ये फाइनल राउंड है जिसमें एचआर के हाथ में, हर कंपनी में एक एचआर होता है, उसके हाथ में होता है आपका सिलेक्शन, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एचआर इज जनरली अ कॉन्वर्सेशन ऑफ हाउ गुड यू आर. आपकी असली सॉफ्ट स्किल्स की टेस्टिंग एचआर में ही होती है, आपके कॉन्फिडेंस की टेस्टिंग एचआर में ही होती है. वो आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेगा, आपको सैलरी कितनी चाहिए, क्या आप अपने घर की लोकेशन से कहीं और जाने के लिए रेडी हो, राइट. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योरसेल्फ, क्या आंसर करोगे, व्हाट आर योर वीकनेस. मैं सोता बहुत हूं, मुझे काम करना ज्यादा पसंद नहीं है, राइट. वीकनेस क्या बताओगे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब बोलोगे, राइट. सो जितने लोग इस समय जॉब के लिए बैठने वाले हैं वो तो जरूर ज्वाइन करें इसे, ठीक है. एंड द लास्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट. आई नो 32 में से दो लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, राइट. तो अब हमारे पास 6 लोग हैं और हमें 2 लोगों पे काम करना है. आप टोटली ब्रश्ड अप हो जाओगे एंड आपके पास एक पूरा का पूरा प्रॉपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा. आप जब अपने रियल इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको नया फील नहीं होगा एंड आपके पास वो तैयारी होगी. एंड माइंड यू, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके कॉलेज वाले ये चीज कराते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आई नो कि कॉलेज में 60 बच्चों का ये पूरा चीजें मॉक इंटरव्यूज कराना, आई डोंट थिंक टीयर 2 कॉलेज एंड टीयर 3 कॉलेज इतना कराते हैं, राइट. मेरे खुद के कॉलेज में कुछ ही बच्चों के हो पाए थे. सो वी आर गिविंग दिस ऑफर एट अ बेयर मिनिमम ऑफ 250 रुपीज, बिकॉज नथिंग फ्री इज वैल्यूएबल, राइट. आपके घर में अगर 2 चीजें रखी हैं सेम तरह की, एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी फ्रेंड ने दी है और दूसरा आप खुद खरीद के लाए हो, डू आई इवन नीड टू आस्क अ क्वेश्चन कि उसमें से ज्यादा वैल्यू आप किसे दोगे. जिस चीज में आपने मॉनिटरी वैल्यू एड कर दी है वो अपने आप ही वैल्यूएबल हो जाती है. एंड ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जिसका कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आएगा सीवी के अलावा, बट उसका एक चेंज आएगा. वो चेंज आप पहला इंटरव्यू जब दोगे ना आपको तभी महसूस हो जाएगा. जैसे ही पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू की कॉल रखी आपको 250 रुपए वसूल दिखेंगे, राइट. सो दिस 250 रुपीज इज अ बेसिक फी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर सीरियस टू लर्न, ठीक है. एंड एवरीवन राइट नाउ कैन पे 250. एंड अगर उसमें से कोई ऐसा है जो 250 नहीं पे कर सकता, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल पे योर फी, आई विल डू दैट फॉर यू. बट बिकॉज ऑफ दिस 250 रुपीज विच वी आर नॉट एबल टू रिमूव, प्लीज डोंट रिमूव योर चांस ऑफ लर्निंग थिंग्स, राइट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट 3 पीपल, राइट. एटलीस्ट 3 पीपल, ताकि जो पैनल में 3 लोग बैठ रहे हैं तो 3 लोग ऐसे भी जिनका इंटरव्यू हम ले सकें, राइट. बट इफ आई एम गेटिंग ऑल 30 ऑफ यू, वी आर गोइंग टू मेक इट सो ग्रेट, सो अमेजिंग, राइट. एक बच्चे ने बोला मेरे से कि सर इस समय जो ये टाइम चल रहा है ना, इस समय ये चीजें बहुत जरूरी है, बिकॉज दिन भर इंसान घर में रहता है एंड इतनी नेगेटिव न्यूज है आसपास, तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. ये कम्युनिटी सिर्फ इस इंटरव्यू सेशंस के बाद खत्म नहीं होगी, राइट. इसके बाद लगातार हम सेशंस करेंगे एंड आई हैव अ यूट्यूब पेज आल्सो, राइट. यू ऑल कैन जॉइन दैट एंड उसके थ्रू हम बहुत सारा काम करेंगे, राइट. एंड आई लव टू डू दीज थिंग्स, दिस इज माय पैशन. सो वी विल हैव अ गुड कम्युनिटी जिसमें हम इवेंट्स करा सकते हैं, ठीक है, विच टुडे वी आर गोइंग टू डू एट द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट स्लाइड. एंड आई वॉन्ट कि आप में से कोई आज अपने डर से लड़े मेरे सामने, हम सबके सामने. आज आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डर लगता है तो ये बहुत अच्छा मौका है अपनी बेइज्जती कराने का, राइट. कराओ बेइज्जती. आई एम टेलिंग यू, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू राइट नाउ, वो बेइज्जती अगर आपने इंटरव्यू में करी तो आपको दिक्कत होगी, राइट. ऐसी जगह पे जहां लोग आप पे हंसे वहां आपको दिक्कत होगी. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, मैं आपको एकदम एज पे ला रहा हूँ, पहाड़ के एज पे लाके मैं धक्का नहीं दूंगा. यू हैव टू जंप फ्रॉम इट टुवर्ड्स योर इम्प्रूवमेंट, राइट. सो लेट्स सी कि आप में से कोई ऐसा है जो एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहेगा, राइट. एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द चैलेंज. सो
our panel team, these all are my friends, right? And some are my relatives, but luckily they all are super good. Okay. So Mr. Abhishek Goyal is my colleague and so is Amit Kumar Singh. They have studied with me in bachelor's and now they are doing research and having good jobs, right? I am teaching in Lucknow University in mechanical department. And this is my vocation, which I do. And I'm also a public speaker. And then Ayushi Awasthi, she's right now teaching in school and she's a very amazing personality to talk to, right? And she'll be your HR interviewee. And with that, you'll get the telephonic calls from Ms. Tanya Srivastav, right? She's also an HR enthusiast and into the banking industry. So these are the people. Apart from that, we have people from different branches who are right now serving their own industries of electrical, civil, mechanical, IT, and CS. So they will join us in your technical interview. We have a graduate from law. We have a graduate who is right now studying in IIM Lucknow, right? So this is our superb team. And what else can you ask for, right? So with this, the challenge is right now open. So I'm going to tell you ki challenge kya hai, and we can take three people in, right? Teen log jo ready ho is challenge ko karne ko, right? Wo is samay chat box mein apna naam likh sakte hain ya hello likh sakte hain. Yeah, you can write I am in. So I'm going to tell you the challenge. And yahi mauka hai apne dar ko dur karne ka. Okay, so one guy, Harshit Kumar, without knowing the challenge, has told. I'm going to tell you the challenge first and then aap bataiye. ठीक है, चैलेंज ये है कि आपको अपना ऑडियो ऑन करना है, आपको अपना वीडियो ऑन करना है. ओके, ऑडियो एंड वीडियो ऑन करते ही आप सब लोगों को दिखने लगोगे. एंड उसके बाद आपको एक वर्ड दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल वाटर. उस वाटर वर्ड पे आपको लगातार 60 सेकंड तक बोलना है. ओके, समवन टोल्ड मी कि ये मत करना, लोगों की बेइज्जती होती है तो वो डरते हैं. But what I am going to do is to do the same thing. आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई. आपका डर कब खत्म होगा? क्या presentations अकेले रूम में दोगे? क्या interviews अकेले रूम में दोगे? So the challenge is in front of you. I will give you a very common word and you have to speak on it for 1 minute. Harshit Kumar, amazing, very good. Yes, sir. Anyone sir. Else who is ready to face this challenge? Apart from Harshit Kumar, I need two more people. We have 32 right now and I need two more people. Anyone, put your video on. Come on, do this. Apne dar ko khatam karo yahi par. No one is going to judge you. And even if they do, who cares? We want me to call out the name. Come on, Aditi. I'm expecting you also to join. Aditi Agarwal. Okay, so I am right now launching an offer. The offer is, jo bhi ye bolega, okay, I'll be assisting that person even after the session gets over, right? And jab tak aapka kabhi bhi life mein koi bhi interview hoga, I will be there to help you prepare. All the three people, kabhi bhi life mein, kabhi bhi full time, jab tak aapki job nahi lagti hai, I will be with you. This is the offer, right? Till your first job. Harshit Kumar, you have won the offer for now, right? Anyone else who is yes, interested sir. Can... Sir, not me. Okay, congratulations. We have the second member in. That is Aditi Agarwal. Okay, two log aa gaye hain. I'm sure one more guy will join. Or a girl. So we have Saloni, Samia, Sanjay, Suraj, Tanya, Vandana, Nikhil, Abhushit, Aman, Aditya, Adarsh, Akarshit. Come on. I need one more guy or one more girl. Okay, I'll count for 10 seconds. Right now, your brain, jo bhi bolna chah raha hai na, par aa nahi pa raha aage. Aapka brain aapko puri koshish kar raha hai rokne ke liye. Mujhe pata hai. I have been there. Yaar, kar lo yaar. Ho jayega. Come on. Anyone who's stopping himself or herself, don't do this. Ashwini, Priyam, what happened, guys? I'll give you your favorite topic, Priyam. You can talk on investing. Come on. Arun.
चलो ओके सो टिल द थर्ड गाय कम्स हु वांट्स टू गो फर्स्ट अदिति और हर्षित फॉर मी ओके सो अदिति सेड मी एंड वी हैव द थर्ड पर्सन अमन कुमार ओके सो ऑल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ यू इज अदिति अग्रवाल एंड शी इज गोइंग टू जस्ट टेल अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हरसेल्फ एंड देन आई कैन गिव हर द वर्ड गुड आफ्टरनून एवरीवन आई एम अदिति अग्रवाल basically I'm great that is the only thing I can tell about myself and everyone likes to talk to me nowadays I get almost 3 to 4 calls Aditi please talk to me I like talking to you in my education I'm doing my post graduation in economics from Lucknow University itself and I also teach class 10 children that's it okay So, Aditi, you are great as you told. So, we are going to give you a topic and you have to talk for like 1 minute and you're not going to get any time to think apart from 10 seconds. After 10 seconds, you have to start. Okay? So, okay. The topic which you are going to get is why English? Hindi is our mother tongue, right? So, then why is it so much in the country and in the world and in the jobs? Every place, every place, English is so much. Right? Why English? 10 seconds. And you can speak in Hindi and English mix, right? Okay, you can start now. Sir, basically English is the most easy language for everyone to communicate. Why? Nowadays, almost every school makes a focus for every student to speak in English. Everyone to just go abroad and to study. If you have to go abroad, you have to learn English. It is the most common language used in every country. Secondly, people think that if we speak in English, we will be. I will be able to. I'll be able to get a good rating, get a good influence. I'll be able to influence more over people. I will be, sir. Though you said that Hindi is our mother tongue, that is true. People should speak in Hindi. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनको हिंदी बोलने में शर्म आए. ये नहीं होना चाहिए. That is true. But yes, English is also a very important, plays a very important and major role nowadays because every interviewer, every person wants the interviewee to know English, to speak English. Amazing. Clap from my side. Amazing. So, Aditi, you did a great job. And everyone, you should clap, chahe aapki awaaz sunai pade ya nahi, because this... You were all not able to come forward and isne ye wo cheez kari, right? You must be feeling amazing. And this thing is called extempore. Aditi, I would like to add only one sentence ki English ho ya Hindi. Baat apni baat ko rakhne ki hai. Baat apni baat ko rakhne ki hai, right? So now we have 4 more people apart from these 2 who are ready. This is going to be amazing. So second, I welcome Harshit Kumar. Harshit Kumar, you can put your audio and video on. Tell about yourself and then you will get the word. So my name is Harshit Kumar. Currently, I'm pursuing BTech from Lucknow University. And I'm used to read several articles and books these days because nothing have to do in the lockdown period. So that's it. Okay. So now, Harshit, thank you for the introduction. I'm going to give you a word and Hindi, English, whatever you feel like, Just kill your fear right now, okay? For 60 seconds. Okay, sir. So your word is pustak, book, kitab. Book. Okay, sir. Sir, there have been... Sir, I will used to have a historic background. So we have seen in Vedas that Vedas were not actual books. They were written on called Tamra Patra. So they were a word. Today they have not been so much synthesized, but they are always scattered all over the country. But they have some small special sort of information written in them. But coming to the book, when printing press was invented in 1400, I guess in 15th century in Italy,
and then it came the revolution to write a book, and it was really as economical for our people who used to read books, because it earlier than if it look apart from the inventing of the press, it was a really only privileged people could afford books. But after that, only even the suppressed classes or the poor were able to read the books. And if it talk about the context of today, if we have seen that the books are available and everywhere, even if we consider the newspapers, from book from alphabet books, from higher PhD books like research books or whatever, books are being very able, people are being very able to read books and thoroughly convey the information via paper, and so books are okay sir, okay. Thank you. Very amazing, superb, bahut badhiya, and you are making Lucknow University proud in front of us right now. Okay, I expected at least one of you should join. So now Devansh, are you ready? Devansh, can you please put your audio and video on? Put your video on. Let everyone see you. Please, I request you. कहाँ हो तुम देवांश? अपना वीडियो ऑन करो. वीडियो ऑन होगी सर. ओके गाइस, प्लीज पे अटेंशन. आई लव दिस गाय राइट नाउ. ओके आप देख पा रहे हो मेरे गूज़बम्स आ रहे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज दिस गाय इज इन क्लास 11th, 10th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ है, ही इज वेरी हैप्पी, बट ही इज गोइंग टू डू दिस चैलेंज. प्लीज आप लोग एक बार इसको खूब अप्रेस करो जितना कर सको. सो देवांश, टेल अबाउट योरसेल्फ इन 30 सेकंड्स एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्ड. एनी लैंग्वेज. माय नेम इज देवांश श्रीवास्तव एंड आई एम इन क्लास 11th इन डीपीएस जानकीपुरम, एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड स्विमिंग एंड ऑल, एंड या सर यही सब है सर, और कुछ नहीं सर इस समय. ओके सो प्लीज देवांश, हम लोग को ब्लेस करो राइट, बिकॉज इस समय यू आर गोइंग टू बी अ सुपर्ब इंस्पिरेशन फॉर नेक्स्ट 60 सेकंड्स. ये सबको पता है, नो वन कैन डिसएग्री ऑन दैट, एंड ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज तुमने बहुत सही टाइम पे शुरुआत करी है, अगर तुम हमारे साथ जर्नी कंटिन्यू करते हो तो. सो देवांश, योर टॉपिक, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? जो आप टॉपिक. ओके सो देवांश विल टॉक अबाउट फुटबॉल फॉर 60 सेकंड्स. फुटबॉल इन इंडिया, रेडी? फुटबॉल इन इंडिया. चलो यू कैन स्टार्ट फॉर 60 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर मैं हिंदी में बोलूंगा सर. श्योर सर. सर फुटबॉल इंडिया में सर सबको पता है कि मतलब बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया है, क्योंकि यहाँ इंडिया में फुटबॉल का सर जो मतलब एक क्रेज होता है सर वो तो है, बट जो फुटबॉल देखने वालों का सर मतलब जो एक वो है सर, तो वो सर मतलब आपको यहाँ पे अगर मैक्सिमम लोग को अगर पूछा जाए तो सर वो कहेंगे मेसी, रोनाल्डो, नेमार सर, वही सब उन सबको पसंद है सर. एंड सर इंडिया का अगर मैच किसी से आता है, किसी से अगर इंडिया का मैच होता है तो लोग उसे उतना प्रेफर नहीं करते जितना बार्सिलोना के मैच को करते हैं, जितना रियल मैड्रिड को मैच के मैच हम लोग देखते हैं. और सर उनका मैच अगर रात में 12:30 बजे 1 बजे है तब भी लोग देखते हैं, बट इंडिया के मैच को मतलब लोगों को पता भी नहीं कब होता है कब नहीं होता है. तो सर इंडिया का जो फुटबॉल है सर वो इसीलिए इतना गिरता चला जा रहा है सर. आपने सर देखा होगा सुनील छेत्री जो सर हम लोग के इंडिया के कैप्टन है सर, वो सर लोगों को बैक करते हैं कि प्लीज हमें देखो, हम ही लोग को मतलब तुम देखोगे तो तब हम लोग को जाके सपोर्ट मिलेगा. सर कुछ सालों में सर इंडिया को थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, बट उस लेवल पे नहीं गई है इंडिया. और सर सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया भी एक दिन सर मतलब फीफा में खेले और ऑल इंटरनेशनल लेवल पे खेले सर, लेकिन इंडिया को सर जो सपोर्ट चाहिए वो इंडिया से नहीं मिलता, जैसे बाकी स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट को सर मतलब ऑल ओवर इंडिया क्रिकेट इंडिया नंबर वन है सर क्रिकेट में, तो वैसे ही सपोर्ट सर इंडिया को भी अगर फुटबॉल में मिले तो फुटबॉल इंडिया मतलब इंडिया फुटबॉल में काफी अच्छा और काफी बेहतर हो सकता है सर. अमेजिंग अमेजिंग.
बहुत बढ़िया देवांश. गाइस टेक दिस एज एन एग्जांपल, टेक दिस एज अ पॉजिटिव इंस्पिरेशन, राइट. थैंक यू सो मच देवांश. सो नेक्स्ट नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल आदित्य. आदित्य आनंद, आर यू देयर? आदित्य आनंद. Yes, sir. Okay, can you put your video on? Okay, Aditya. Yes. So, you have to speak with your video on if possible. Okay. Great. So, I'm going to give you the word, okay? And you have to speak yes. for 1 minute, okay? Yes. So the word that you are going to speak on for 1 minute is COVID. So I will also be speaking in Hindi only. Sure. But you have 1 minute. You can start. Sir. Yes, sir. Sir, COVID, sir, एक ऐसा pandemic है जिसमें sir था नहीं हमारा इंडिया, अब आ गया है. क्योंकि सर मेरा सर पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरा जो मेरे खुद के जो खास फ्रेंड थे सर, जो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड थी सर, वही इन्फेक्टेड थे इससे. सर कोविड से सर बहुत सी चीज़ें पता चलती है. एक तो हमारा सर सबसे बड़ी चीज़ इस समय जो सबको लगता है वो पर्सनल रिलेशंस लोग जज करने लगे हैं अब सर इससे, कि सर कौन किसके किस वक्त पे काम आता है. अब जैसे सर हर कोई कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा है इस बीच, वो यही कह रहा है कि कुछ पता ना चला इससे पर रिश्ते पता चल गए कि किसका किससे कैसा था भाई. और सर कोविड से सर यही रहा कि लोगों ने बहुत अपने लोगों को खोया है. जो चाहते थे, जो जैसा चाहते थे कि हो, वो वैसा कभी किसी के साथ अब हुआ नहीं इस बार. तो सर कोविड में यही है कि सर जितना जो अपने लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है आगे सेफ रहने के लिए, वो सब बेटर रहेगा. क्योंकि सर अभी लोग इतने ही देख के घबरा चुके हैं सर, तो ये सही रहेगा उनके लिए कि उनको आगे भी प्रिवेंटिव कॉजेस लेनी चाहिए. थैंक यू सर. अमेजिंग, बहुत बढ़िया. आदित्य, आदित्य कैन यू टेल अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, योर इंट्रोडक्शन? सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है सर. फ्रॉम? एंड सर अब ग्रेजुएशन हो चुका है सर एलयू से, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और सर अब वही है कि मतलब पेंडेमिक वगैरह की वजह से बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं, बाकी जॉब्स वगैरह के सर फॉर्म्स भरता रहता हूं. बिल्कुल, उन्हीं का सर चल रहा है. सर अभी दो एग्जाम मेरे पोस्टपोन हो चुके हैं. आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू जॉइन अस. तुम्हारी आवाज जो है ना और द वे ऑफ स्पीकिंग है राइट, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू जॉइन अस. ओके ओके ठीक है, एंड जस्ट यू हैव टू डिसाइड. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. And next, I would like to call Vandana. She's right now in Delhi, I think. Vandana, are you there? Yes, yes, I'm here. Okay, so you can put your audio and video on. Can you all see me and hear me? Yes, I think they can. So... Yeah. Yes. Vandana, your word is exercise. And you have to speak for 1 minute, okay? Yeah, okay, fine. Done. So about exercising, so currently I'm also writing blogs on fitness, so I can speak well about this. So I think in case of exercise, people in our country and mostly in other countries also, they believe that they have to do exercise only to get thin or like to reduce their weight, but they don't realize other benefits of it. Like exercise is related not only to physical health but also to mental health. So they have to combine it well. Like in case of COVID, people are suffering from different problems, or they are saying that people with comorbidity will suffer more. And also there are chances that if you have any problem, existing problems, like if you have any obesity or any other problem, underlying problem like blood pressure, diabetes, etc., then your cases you'll find it difficult. Like to live in this, if you get COVID and if you have any other problem, then it will just increase your chances of getting more ill and etc. So I believe that exercise should be taken as like, it should be in your daily routine. It should not be related to like weight loss. Okay, I'm going to a wedding, I should reduce weight. Okay, I'm going to any function, it's my birthday, I have to reduce weight. And people usually don't do this.
they usually take it like this. And if you, even if you tell people that you have to eat good food, you have to eat a balanced meal, they only think about it like you have to leave everything and you have to restrict yourself and you have to do crash diets and all that. But I don't think this is the right way. You can eat well, you can eat whatever is available in our country also, because now I have seen people like they are they can follow all those dietitians and all that who are giving their tips on internet on like how they can do this and whatever products are available in our market, but they are not focusing on local products that are also there. That in our India also there are so many things. There, Indian food can also help you get fit, but they believe like you have to eat some broccoli or this thing. So I don't think this is the right way. And also it's a good chance for us to get vocal for local. So see how exercise is connected to different things and how time can up, you give it a 360 up. Degree view. Vocal for local. Amazing. Amazing, Vandana. As always, you have been amazing. So I would just like to tell Vandana Sharma here, she will be joining our team very soon. And also she is a fitness enthusiast and she runs a blog by the name Energetic Reads. I have seen this girl improving since we have been friends since last 2 years. So a good journey of Vandana. So right now we have reached towards the end of our session right now. And thank you for giving your 60 minutes. 60 मिनट्स में आपकी लाइफ के जितने तरह के इंटरव्यूज इंक्लूडिंग जीडी सब हो जाते हैं राइट सो विद दैट आई विल जस्ट एंड अप आवर सेशन फॉर टुडे एंड इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से एक बच्चा जिसने कभी कोई भी शब्द अपने दिल से डर की वजह से नहीं बोला एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास अच्छी नॉलेज थी मगर डर की वजह से वो आज भी जॉब ढूंढ रहा है एक ऐसा इंसान जो किसी और से प्यार करता है मगर उसे अपनी बात कहने में डर रहा है एक ऐसा इंसान जिसे आगे चल के एक प्रेजेंटेशन देनी है वो बहुत अच्छी बना सकता है मगर बोलने से डरता है एक ऐसा इंसान जिसने शायद किन्हीं वजह से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी हो और आज के टाइम में वो किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कई गुना ज्यादा एक्सपर्ट और टैलेंटेड हो उसे जरूरत है पावर ऑफ एक्सप्रेशन की उसे जरूरत है कि किसी भी भाषा और अंग्रेजी दोनों में वो अपनी बातों को रख पाए और उन सारे इंसानों का ये स्ट्रगल मैं समझता हूँ और हमारी ये टीम समझती है हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस रास्ते से ना गुजरा हो और जिसने ये स्ट्रगल ना किया हो राइट एंड अगर आप मुझे इस समय एक एक्सपर्ट की तरह देख रहे हैं या एक फ्रेंड की तरह देख रहे हैं ये आपकी चॉइस है बट मैं वो दोनों बन सकता हूँ आपके लिए एंड हमारा सिर्फ एक जिस्ट है आपको टेस्ट कराना एक नई डिश बस कैसी लगेगी वो उसको खाने से आप डरते हो और उसको टेस्ट करना चाहोगे या नहीं ये आपको डिसाइड करना है राइट एंड दैट इज व्हाई लेट्स क्रिएट अ कॉन्फिडेंट यू सो फॉर नेक्स्ट वन मिनट अगर अभी सबके सामने आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो सो यू कैन आस्क राइट वरना आई हैव शेयर्ड माई व्हाट्सएप नंबर टू ऑल ऑफ यू गाइस राइट एंड जिस भी सोर्स से आपको लिंक मिला हो यू कैन गो ऑन साहिल एक्सप्लेन्स ऑन इंस्टाग्राम ठीक है एंड यू कैन ज्वाइन अस ठीक है आई विल बी सेंडिंग यू द फॉर्म्स ऑन मेल आई डीज जो आपने फॉर्म्स में भरी हैं गूगल फॉर्म्स में राइट यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड गिव अस बैक एंड विद दैट आई विल बी सेंडिंग एंड एडिंग यू टू आर ओन व्हाट्सएप ग्रुप जो हमेशा के लिए बना रहेगा राइट And the people who have spoken, I remember your names. Until you get your first job, I will be there with you, right? So let's crack all the interviews, all the presentations, and all the bang on seminars which you want to give and create a better social and a confident person, right? So with that dream, I sign off from you for now. And we'll start our training sessions as soon as I get the entries. And our batches will be of 6 to 7 or 10 people. If we get 10, I'll be super happy, right? And we'll be continuously adding more and more people and doing these sessions. So if you start liking our work, या शायद आज meeting के बाद आपको पसंद आया हो, तो share this information. I will take a new presentation next week on Sunday, and between we'll be starting our trainings. Okay, so please do join us. Fill the forms. Right, I'll be sending the forms to you. Okay, thank you guys. Thank you so much. Thank you everyone for joining.
Thank you, Nitesh. Thank you, Samya. Thank you, Aditya. Thank you, Abhishek. I hope you all will join the session. Okay. We are waiting for your entries. Thank you. Thank you, Devansh. Thank you, Vandana. Thank you, Abhushek. Thank you for joining. Saloni, Suraj, Harikesh, Deepak, Aman, Saurabh. Thank you so much. Thank you so much. I would request all of you to join the WhatsApp group. And I'll be sharing the link of the form on my status and in the group also. Thank you, Dheeraj. Thank you, Dheeraj. Thank you so much. Thank you, Aman. Thank you, Shrikesh. All the best to everyone.